सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, फिर से सोमवार। ये सप्ताह में 7 दिन क्यों, 5 दिन क्यों नहीं, या फिर 10 दिन क्यों नहीं, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमण करने में लगभग 365 दिन लगते हैं, जो एक वर्ष है। चंद्रकला यानी लूनर फेजेस का एक पूरा चक्र लगभग 29.5 दिनों में होता है, जो एक महीना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में लगभग 24 घंटे लेती है, जो एक दिन है। लेकिन एक सप्ताह में 7 दिनों की गणना पहले प्राचीन बेबीलोनियंस द्वारा पेश किए गए थे, जो मेसोपोटामिया में रहते थे, जो अब मॉडर्न डे इराक में है। वो लोग आकाश के सूक्ष्म पर्यवेक्षक थे। 7 की संख्या को अपनाने का कारण ये था कि वो 7 गैर स्थिर और खाली आंखों से दिखाई देने वाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का निरीक्षण करते थे, जो है सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो संख्या 7 उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण था। बेबीलोनियंस ने लूनर साइकिल के 29.5 दिनों को 28 दिन पकड़कर उसे 7 दिनों का 4 सप्ताह में विभाजित किया था और लूनर साइकिल के साथ संगति बनाए रखने के लिए लीप डिस्क का इस्तेमाल किया था। इस तरह 3-7 दिनों का और उसके बाद एक 8 या 9 दिनों का सप्ताह होता था। एक और संभावित व्याख्या यहूदी ईसाई परंपरा से है, जो मानते हैं कि ईश्वर ने 6 दिनों में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया और 7वें दिन पर विश्राम किया। लूनर फेजेस के प्रसंग बिना एक लगातार 7-डे साइकिल पहली बार यहूदियों द्वारा 6th century BC में पालन किया गया, लेकिन वो लोग बेबीलोनियन से प्रभावित थे। बेबीलोनियंस के बाद ग्रीक और रोमन लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पर आधारित 7 दिवसीय सप्ताह को अपनाया और दिवस के नाम अपने देवताओं के नाम पर रखा। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पर आधारित ये 7 दिवसीय सप्ताह दुनिया भर में फैलने लगा और धीरे धीरे सभी देशों ने इसे अपनाया। इसी तरह एक दिन में 24 घंटे होने के पीछे प्राचीन इजिप्शियंस के योगदान है। संख्या 12 उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण था। उन्होंने समय को 3 हिस्सों में बांटा था, दिन के लिए 10 घंटे, रात के लिए 12 घंटे और भोर और शाम प्रत्येक के लिए 1-1 घंटा। उन्होंने सूर्य घड़ी द्वारा दिन के समय को मापा और तारों की गतिविधियों द्वारा रात के समय को मापा। उन लोगों का प्रत्येक घंटा एक समान नहीं था और ऋतुओं के बदलने के कारण दिन रात के वक्त में भी फर्क आता था। उन लोगों के बाद ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स ने हर एक घंटे को एक समान करने की कोशिश की, लेकिन ये तभी संभव हुआ जब 14th century के दौरान यूरोप में मैकेनिकल क्लॉक का आविष्कार हुआ। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड का ये गिनती प्राचीन बेबीलोनियंस द्वारा उपयोग किए जाने वाले सेक्सागेसिमल नंबर सिस्टम पर आधारित है। इस नंबर सिस्टम में संख्या 60 को बेस माना जाता है। इस संख्या प्रणाली का उपयोग करके ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स ने एक वृत्त को 60 बराबर भागों में विभाजित किया। मिनट और सेकंड हालांकि कई शताब्दियों के लिए रोजमर्रा की टाइम कीपिंग के लिए उपयोग नहीं किया गया था, इनके नियमित उपयोग आज से लगभग 400 साल पहले शुरू हुआ था।